हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट टॉप। और टॉप बनाने के लिए मैंने लिया है ये कॉटन फैब्रिक और मैंने ली है दो लेंथ्स। लेंथ से मेरा मतलब है टॉप की लेंथ प्लस सीम अलाउंस फ्रंट और बैक के लिए। सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूँगी। सबसे ऊपर मैंने आधे इंच पर निशान लगाया है सीम अलाउंस के लिए। शोल्डर के लिए हम लेंगे शोल्डर विड्थ का आधा। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर विड्थ है 13.5 इंच, तो उसका आधा होगा 7.25 इंच। मैं इसमें 0.25 इंच जोड़ रही हूँ क्योंकि पीछे का गला छोटा है 5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। नेक विड्थ है 3 इंच और यहाँ से आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी और उसके लिए आर्म होल राउंड का आधा लेंगे। मेरे मेजरमेंट में आर्म होल राउंड है 14 इंच, तो उसका आधा होगा 7 इंच। मैं इसमें से आधा इंच कम कर रही हूँ क्योंकि ये टॉप स्लीवलेस है, तो मैं यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब सबसे ऊपर से हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से वेस्ट का निशान लगाएंगे 14 इंच पर, शोल्डर से हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। अब मैं चेस्ट, बस्ट, वेस्ट और हिप के राउंड मेजरमेंट्स मार्क करूंगी। चेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 इंच की ईज। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 31 इंच, 31 + 2 = 33 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। बर्स्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 3 इंच की ईज। मेरे मेजरमेंट में बर्स्ट है 32 इंच, तो 32 + 3 = 35 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। वेस्ट के लिए मैं फिर से 3 इंच की ही ईज ऐड करूँगी। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट है 27 इंच, 27 + 3 = 30 इंच और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। हिप राउंड के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 4 इंच की ईज। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 37 इंच, 37 + 4 = 41 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.25 इंच। और अब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। मैं यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ सीम अलाउंस के लिए। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और अब मैं आर्म होल कर्व बनाऊंगी यहाँ पे। तो बैक की मार्किंग कंप्लीट है, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये है टॉप का बैक। अब फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट में मैं इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट ऐड करूंगी सेंटर में। उसके लिए हम दोनों तरफ इक्वल कपड़ा लेंगे और उसे सेंटर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। दोनों साइड्स पर इसी तरह करना है और इस तरह से दिखेगा ये। ये आपकी मर्जी है, आपको प्लीट चौड़ी चाहिए है या कम चौड़ी चाहिए, आप उसके हिसाब से ही कपड़ा ले सकते हैं। अब फ्रंट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है और अब सेंटर से 8 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। ये प्लीट के लिए लगाया मैंने और सेम निशान में लगाऊंगी नीचे और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे बैक को और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये था फ्रंट। अब इस टॉप को खोलेंगे और जो हमने कट मार्क किया था प्लीट के लिए ऊपर और नीचे, इसको पकड़ के हम सेंटर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये प्लीट इस तरह लगनी चाहिए। अब इसे फोल्ड करेंगे, दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए और हम प्लीट को इस तरह से खोल लेंगे। अब सेंटर से मैं नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और नेक डेप्थ है 7 इंच,
आधा इंच ऐड कर रही हूँ मैं सीम अलाउंस के लिए, तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, और 4.5 इंच तक मुझे प्लीट को बंद रखना है। आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट तक सिलाई लगा दूँगी। अब हम प्लीट्स पर पिन्स लगा देंगे और नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ है 3 इंच, नेक डेप्थ है 7.5 इंच। यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ। और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ये नेक की शेप है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैंने ये नेक पर पिन्स लगा दी थी और अब मैं नेक की और आर्म होल की फिनिशिंग करूँगी। और फिनिशिंग के लिए मैं ले रही हूँ बायस पट्टी, रेप पट्टी, और ये मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये नेक लाइन और आर्म होल्स की फिनिशिंग कर ली है और शोल्डर स्लोप पर भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके घेरे पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने घेरे पे सिलाई लगा दी है। अब मैं दोनों तरफ साइड फिटिंग सीम पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये मेरा टॉप कंप्लीट है, इस पर मैं ये बटन्स ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा टॉप कंप्लीट है। आपको कैसा लगा आप अपने व्यूज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।